रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े रहस्यों को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन आपको क्या पता है कि वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप के कारण ही माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता को किस बात की सजा मिली थी जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माता सीता से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी। कहते हैं कि धरती की गोद से मिथिला में जन्मी थी माता सीता। मिथिला में जनक नाम के एक राजा राज करते थे। एक बार राजा ने बारिश के लिए यज्ञ करवाया था, जिसके लिए वह अपना खेत जोत रहे थे। तभी वहीं से एक कन्या निकलती है। सुंदर कन्या को देखकर राजा खुश हुए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक बहुत ही विख्यात राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम कई वर्षों तक सीता के साथ राज्य करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है वह श्री राम। माता सीता ने जानकी श्री राम की कहानी तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि यह दोनों तो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़ कर मैं इनसे अपने जीवन की सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों को पकड़ कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां पेड़ के पास गई और उनको पकड़ कर ले आई। माता सीता उन दोनों से कहती हैं, देखो तुम बहुत सुंदर हो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि वृष शर्मा के द्वारा किए गए पुत्र दृष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी जोड़े ने कहा, सुंदरी हमने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वह किसके पुत्र हैं और कैसे मिथिला आकर वह जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नकासा ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुण का बखान सौ मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम जानकी कह रहे हो वह मैं ही हूँ। माता सीता कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी कि जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता माता सीता से कहती है
कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उनकी बात सुनकर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं फिर इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब सीता जी ने इस मादा तोता को छोड़ने से मना कर दिया, तब वह पक्षी दुखी हो गया। फिर पक्षी ने दोबारा सीता जी से निवेदन किया कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तो मादा तोता ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी गर्भ अवस्था के समय में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के वियोग में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति का वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर मादा पक्षी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में होता है, और इस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ था और उन्हें अपने पति श्री राम जी से अलग होना पड़ा था। उस तोते का श्राप ही माता सीता के पति श्री राम जी से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भ अवस्था में थी तो उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा था। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है, और इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई आज तक नहीं बचा, फिर चाहे वह भगवान श्री राम हो या फिर माता सीता।